कहते हैं ना क्षमा उस भुजंग को जिसके पास गरल है वो क्या जो विषहीन दंतहीन विनीत और सरल है ताइवान में उतरी है स्पेशल फोर्स और ये बहुत बड़ी खबर है तो वहीं दूसरी तरफ मालदीव के पास भारत के राफेल गरजने शुरू जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से रूस यूक्रेन युद्ध के बाद दुनिया में ताइवान को लेकर युद्ध का सबसे ज्यादा खतरा है इस बीच ताइवान में अमेरिका ने अपने सैनिकों की तैनाती कर दी है ताइवान के यूनाइटेड डेली न्यूज के मुताबिक अमेरिकी विशेष बल के सैनिक अस्थायी रूप से ताइवान में तैनात रहेंगे अमेरिकन फर्स्ट स्पेशल फोर्स को द्वीप पर एक परमानेंट ट्रेनिंग मिशन के लिए तैनात किया गया है अमेरिका ने पहले भी ताइवान को प्रशिक्षण मिशन भेजे है लेकिन ये पहली बार है जब परमानेंट तैनाती की सूचना मिली है फर्स्ट स्पेशल फोर्स ताइवान की सेना के विशेष अभियान बल के एक बटालियन के दो ठिकानों पर तैनात है कुछ अमेरिकी सैनिक किनमेन में है जो ताइवान के नियंत्रण वाले द्वीपों का समूह है ये द्वीप चीन के जियामेन बंदरगाह शहर से 10 किलोमीटर की दूरी पर है वहीं दूसरा ग्रुप ताइवान के तट पर पेस्काडोरिस द्वीप पर मौजूद है कुछ एक्सपर्ट अमेरिका के इस कदम को एक चीनी नीति के खिलाफ भी देख रहे हैं हालांकि अमेरिका के सैनिकों की मौजूदगी वॉशिंगटन को बड़ा फायदा पहुँचाएगी अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी ऐसी ताइवान स्ट्रेट और चीनी तट पर होने वाली गतिविधियों से जुड़ी खुफिया जानकारी अमेरिका को मिल सकेगी इसके अतिरिक्त उत्तरी ताइवान में तैनात अमेरिकी सैनिक ताइवान की सेना को ड्रोन की ट्रेनिंग दे रहे हैं ये ताइवान की स्पेशल फोर्स की मदद करेगा अमेरिका के कितने सैनिक तैनात है इसकी सही संख्या और ट्रेनिंग से जुड़ी जानकारी सामने नहीं आई है दो में ताइवान के राष्ट्रपति ने इस बात की पुष्टि की थी की अमेरिकी विशेष बल ताइवान के सैनिकों को प्रशिक्षण दे रहा है ट्रेनिंग मिशन के बारे में पूछे जाने पर अमेरिकी रक्षा विभाग के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल मार्टिन मैनर्स ने कोई बयान नहीं दिया है हालांकि उन्होंने ताइवान की सुरक्षा के लिए अमेरिका की प्रतिबद्धता पर जोर दिया है और कहा है कि ताइवान को उनका समर्थन और रक्षा संबंध चीन के खतरे को देखते हुए है ट्रंप और बाइडेन दोनों ही राष्ट्रपतियों के कार्यकाल में ताइवान को हथियारों की बिक्री बढ़ाई गयी है इसके अलावा ट्रेनिंग देने वाले सैनिकों को भी तैनात किया गया है खैर चाइना के लिए दोहरा बड़ा झटका का देखने को मिल रहा है आपको बता दें चीन के इशारे पर भारत को आंखें दिखा रहे मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद को भी अब करारा जवाब मिलने जा रहा है भारत मालदीव से मात्र 507 किलोमीटर की दूरी पर बसे लक्षद्वीप के मिनी कोय में अपने एयर और नेवल बेस आई जटायु का अगले सप्ताह उद्घाटन करने जा रहा है विश्लेषकों का मानना है की भारत का ये नेवल बेस अरब सागर में एक तरह से मालदीव का विकल्प है लक्षद्वीप द्वीप में भारतीय नौसैनिक अड्डे का निर्माण पूरा होने का मतलब है कि अब जल्द ही राफेल जैसे भारत के सबसे घातक फाइटर जेट लक्षद्वीप में उतर सकेंगे यही नहीं भारतीय लड़ाकू विमानों की ये गर्जना मालदीव के मुइजू के रास्ते चीन तक सुनाई देगी इसका असर पूरे पश्चिमी हिंद महासागर में देखा जाएगा ये वही इलाका है जहां चीन के जासूसी जहाज और युद्धपोत पहुंचते रहते हैं और ड्रैगन बहुत तेजी से अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है भारत अगले सप्ताह इस नेवल बेस का उद्घाटन करने जा रहा है ठीक उसी समय हो रहा है जब मालदीव से भारतीय सैनिकों का पहला दल वहाँ से आने वाला है मुइजू के आदेश पर भारतीय सैनिकों को वापस बुलाया जा रहा है इससे पहले मूजू ने चुनाव प्रचार के दौरान सैनिकों के खिलाफ इंडिया आउट कैंपेन चलाया था मूजू ने भारत के साथ मालदीव की परंपरागत दोस्ती में जहर बो दिया है अब वो चीन के इशारे पर लगातार जहर उगल रहा है चीन के दौरे से लौटने के बाद मूजू ने तुर्की से यूक्रेन वाले बायर कतार हमलावर ड्रोन लेने का ऐलान किया है मूजू ने कहा है की इसके जरिए वो भारतीय सीमा से सटे मालदीव के इलाके निगरानी कर सकेंगे मालदीव ने तुर्की के साथ ये करोड़ों डॉलर की ड्रोन डील ऐसे समय में की है जब उनका देश कर्ज में डूबा हुआ है मालदीव पर सबसे ज्यादा कर्ज चीन का है मालदीव में नई सरकार ने भारत को छोड़कर चीन के प्रति अपनी निष्ठा बना ली है जिसे भारत के रणनीतिक हितों के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है मालदीव का रणनीतिक महत्व उसके आकार से ज्यादा उसके लोकेशन में है ये 960 किलोमीटर लंबी पंडुबी रिंच पर स्थापित है जो उत्तर से दक्षिण तक जाती है जो हिंद महासागर के बीच में एक दीवार के रूप में काम करती है हिंद महासागर क्षेत्र में संचार के दो महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है दक्षिण पूर्व और पश्चिम एशिया के बीच में समुद्री व्यापार को सुविधाजनक बनाते हैं ये मार्ग मालदीव के दक्षिणी और उत्तरी छोर पर स्थित है मलक्का स्ट्रेट और हॉर्मोज की खाड़ी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और ऊर्जा प्रवाह के लिए मार्गों पर बहुत अधिक निर्भर करती है अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए हिंद महासागर के प्राथमिक मार्ग होने के बावजूद मालदीव इसके लिए एक प्रवेश द्वार की भूमिका निभाता है लक्षद्वीप द्वीप, द्वीप समूह में नौसैनिक हवाई अड्डे के निर्माण के साथ भारत का लक्ष्य हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति और प्रभाव को बनाए रखना है अपने रणनीतिक हितों को सुरक्षित करने और एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए भारत का ये कदम बहुत जरूरी है भारत का आई जटायु नाम का बेस इस क्षेत्र में नौसेना की मौजूदगी को बढ़ाएगा आई जटायु बेस मिनी द्वीप पर होगा जो लक्षद्वीप के खूबसूरत द्वीपों में से एक है मिनीकोय द्वीप 9 डिग्री चैनल के पास स्थित है जो कि एक व्यस्त शिपिंग रूट है मालदीव के सबसे उत्तरी द्वीप में लगभग 130 किलोमीटर दूर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब लक्षद्वीप का दौरा किया था तब भारत और मालदीव के बीच एक कूटनीतिक विवाद हो गया था मालदीव की नई सरकार ने भारत से अपने सैनिकों को वापस बुलाने के लिए कहा और एक चीनी जासूसी पोत का स्वागत किया जिसे श्रीलंका ने अपने यहाँ रुकने की अनुमति देने से पहले ही मना कर दिया था इसका भारतीय जनता ने पर्यटन के लिए देश का बहिष्कार करके करारा जवाब दिया यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के लिए इस क्षमता को विकसित करना जरूरी था आईएनएस जटायु में एक विमानन सुविधा होगी ये न केवल भारत की समुद्री डोमेन जागरूकता को बढ़ाएगा बल्कि हमारे समुद्री पड़ोस में विकास की बेहतर निगरानी भी करेगा शुरुआत में आईएनएस जटायु को अधिकारियों और जवानों के एक छोटे दल के साथ चालू किया जाएगा हालांकि इसे विस्तारित करने की योजना है ताकि राफेल जैसे लड़ाकू विमान यहाँ ऐसी उड़ान भर सके आई जटायु का उद्घाटन समारोह चुपके से नहीं होने जा रहा है भारत ये सुनिश्चित कर रहा है कि क्षेत्र की शक्तियाँ इस पर ध्यान दे क्योंकि समारोह के दौरान भारतीय नौसेना के दोनों विमान वाहक पोत वहाँ मौजूद रहेंगे जो पूरी ताकत का प्रदर्शन करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कुल पंद्रह युद्ध पोत चार ऐसी पाँच मार्च को होने वाले इस समारोह के दौरान मौजूद रहेंगे जैसे जैसे हिंद महासागर में चीनी नौसेना की मौजूदगी बढ़ रही है भारत द्वीपीय क्षेत्रों में अपने बचाव को मजबूत करके जवाब भी दे रहा है एक तरफ मिनी कोई दूसरी तरफ आगा लेगा और तीसरी तरफ श्रीलंका कई जगह पे भारत अपनी पहुंच को और भी ज्यादा मजबूत कर रहा है ताकि आने वाले किसी भी संकट को हैंडल किया जा सके और आपको बता दें मिनी कोय मालदीव से मात्र 500 किलोमीटर दूर है ज्यादा दूर भी नहीं है ऐसे में भारत भारत यहाँ पर जो कुछ भी स्थापित करेगा सर्विलांस के लिए भारत को यहाँ बहुत सारे जानकारियाँ मिलेंगी भारत यहाँ पर सभी को एक संदेश भी दे रहा है कि अब हम यहाँ ऑपरेशनल करने जा रहे हैं अपने जटायु बेस को वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं जल्द मिलते हैं नए वीडियो में नई खबर के साथ